हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल अपनर में। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। आज होली का दिन है तो काफ़ी ज़्यादा खुशियों का दिन है। तो आज आ चुकी सिनेमा घरों में बच्चन पांडे अक्षय कुमार की। तो ये मूवी फरहाद सामजी की डायरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से ऑडियंस का ख्याल रखते हुए इस मूवी को मसालेदार मूवी बनाई। इसमें आपको एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, जबरदस्त डायलॉग और अलग अलग बात करें, एक मूवी मसाला मूवी है तो आपको बोर नहीं करेगी। और इसमें बात करें, इस मूवी में अक्षय कुमार, कृति सेनन और जैकलिन फर्नांडेज और मिल जाएंगे पंकज त्रिपाठी और संजय मिश्रा, अभिमन्यु और काफ़ी एक्टर्स में अच्छे अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मूवी फुल ऑफ मसाला मूवी है। अगर बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की, तो इसमें कृति सेनन एक मूवी बनाना चाहती हैं गैंगस्टर पे ऊपर। तो वो काफ़ी दुनिया में मतलब जाती हैं, हर तरह तरह में वो गैंगस्टर फाइंड आउट करती हैं, देखती हैं, लेकिन उनको कोई भी स्टोरी समझ में नहीं आती। फिर उनको भगवा में मिलते हैं अक्षय कुमार, जिनका नाम होता है बच्चन पांडे से। तो वो उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं तो उससे स्टोरी बनाना चाहते हैं। तो उनके साथ होते हैं वासु, यानी अर्जुन वारसी, उनके फ्रेंड होते हैं, वो भी एक्टर बनना चाहते हैं। तो उनको कहते हैं चलो वहाँ जाके उनके ऊपर मिलते हैं, स्टोरी उनको जानना चाहते हैं काफ़ी डीपली तरह से। तो अर्जुन वारसी मना कर रहे थे क्योंकि वो गैंगस्टर, ऐसे वो गैंगस्टर हैं उनका दिल बिल्कुल पत्थर का होता है, उनकी आँख भी एक पत्थर की होती। तो उनके दिल में कोई भी मर्सी या दया कुछ नहीं, वो एक सेकंड भी सोचते किसी को मारने में। तो वो सब स्टोरी सुन के अर्षद वासी डर जाते हैं तो मना कर देते हैं। फिर कृति सेनन उनको मनाती है कि मैं आपको इसमें लीड रोल में काम करने का मौका दूंगी। तो अर्षद वासी मान जाते हैं। ये सब चीज़ें देखने में काफ़ी मज़ा आती है, ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, कॉमेडी सीन होती है और संजय मिश्रा को आप जानते हो अच्छी कॉमेडी करते हैं, तो काफ़ी अच्छे। तो अक्षय कुमार की तो जाती हैं वहाँ पर कृति सेनन वहाँ गाँव में, तो मिलते हैं तो क्या होता है वो आप मूवी देखने में पता चलेगा। लेकिन अक्षय कुमार की गैंग में एक से एक कलाकार होते हैं, इनका नाम पेंडुलम होता है और बकरिया चाचा होता है, जो ऐसे करेक्टर काफ़ी हंसी क्रिएट करते हैं, सीन ऐसे ऐसे बनाते हैं जो मज़ा आएगा। तो क्या कृति सेनन उनके वो पिक्चर बना पाती है, क्या कृति सेनन उनसे बच पाती हैं, तो ये सब आपको देखने के लिए सिनेमाघर जाना पड़ेगा। और अब बात करते हैं हम जैकलिन फर्नांडिस, इसमें एक कैमियो रोल है जो कि उनका महबूबा का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि वो उन्हीं के हाथों से, बच्चन पांडे के हाथों से मर जाती हैं। तो कुछ उनका ज़्यादा काम नहीं खासकर। बस अगर बात करें इसमें एक्टिंग की, तो एक्टिंग में अक्षय कुमार ने सबको क्लीन बोल कर दिया, उनका लुक देख के आपको लगी गया और क्या ज़बरदस्त एक्टिंग करी। अब बात करते हैं कृति सेनन ने उनको फिल्म का जो उन्होंने मतलब फिल्म बनाना चाहती थी उस तरह का जो रोल प्ले किया, पूरी तरह से उन्होंने नया किया अपने रोल। अब बात करें अर्षद वासी ने भी अच्छा रोल किया है, सारा ओवरऑल अगर बात करें सब ने अच्छा काम किया। बट निराशा यहाँ पर होती, अगर ये मूवी रीमेक नहीं होती ना तो और मज़ा आती। बस यहीं पे हम लोग थोड़ा निराशा रहती कि क्यों हम लोग रीमेक बना रहे हैं, 5 साल हो गए रीमेक देखते देखते। पर रीमेक मत बनाओ, कुछ अपने अंदर से चीज़ें बनाओ, कुछ नई चीज़ बनाओ। तो यही चीज़ अफसोस होता है कि ये रीमेक हम लोग देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो बस यही चीज़ है, इसी तरह निराशा होती। तो हम लोग यही कोशिश करते कि अगली मूवी रीमेक मत आए, ओरिजिनल आए। बाकी ओवरऑल बात करें मूवी अच्छी, इन्जॉय करिए, फैमिली के साथ देखिए, मज़ा आएगा, फुल ऑल इन्जॉयबल मूवी है। कोई देखकर आप माइंड में जाइए, बस आप रीमेक नहीं देख रहे क्योंकि हम लोग ओरिजिनल मूवी नहीं देखी, तो हम लोग को ये अच्छी लगेगी कि हम लोग ओरिजिनल मूवी देख रहे हैं। बट जब पता चलता है कि रीमेक है तो काफ़ी वो रहता है यार, हम लोग कॉपी ही कर रहे हैं। तो ओवरऑल मूवी अच्छी है, जाइए इन्जॉय करिए, फैमिली के साथ देखने वाली है, काफ़ी अच्छी कॉमेडी है, मज़ा आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा हम लोगों को अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है। आपका लाइक हमको थोड़ी मतलब स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए, सब्सक्राइब चैनल करा करिए, शेयर करिए और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।